चलिए दोस्तों, देखिए संकर या जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। अध्याय 9 हम लोग उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। इस चैप्टर से पढ़ने से हम छोटी सी चीजों को जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर में यूज होने वाला चीजें हैं, ठीक है। इसके पहले जानकारी होना आवश्यक है आप लोगों को, हम सीखते हैं। देखिए एक होता है संयोजकता, संयोजकता, क्या मैंने कहा, संयोजकता। संयोजकता का मतलब बैलेंसी, बैलेंसी क्या होता है दोस्तों, बैलेंसी। संयोजकता, संयोजकता क्या होती है, बैलेंसी क्या होती है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करिए, उसके बाद हम क्वेश्चनों को बतलाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सीखने से पहले हम इस बात को जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है दोस्तों कि संयोजकता क्या होती है, बैलेंसी। यदि आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके थोड़ा बतलाइए दोस्तों, किसको मालूम है, ठीक है। चलिए मालूम होगा तो ठीक है, नहीं तो चलिए हम बता देते हैं कि संयोजकता, जैसे मैंने कहा क्लोरीन, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, मैंने क्या कहा, संयोजकता क्या होगी, बैलेंसी क्या होगी। आपने कहा सब ऐसे निकाला जाता है, बैलेंसी क्लोरीन सीएल लिख दिया, क्लोरीन की एटम क्या होती है, सीएल होती है, ठीक है, सीएल होती है। इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, सीएल की 17, कितना होता है 17। अब 17 का क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता होगा आपको कि 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5। देखिए 2, 4, 10, 12, 5, 17 यानी कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इस तरह होगा। सबको मालूम है, सबको मालूम है ना दोस्तों, सभी को मालूम है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब बाहरी कोशों का इलेक्ट्रॉन मालूम है ना, एक थोड़ा सा चीज समझ लें यहाँ पर। ऐसे मैंने कहा, छोड़िए, 2s2 मैंने क्या कहा, 2s2 मैंने लिखा। अब 2 क्या है दोस्तों, 2 यहाँ पर क्या है, जो घात वाला 2 है, क्या इसे कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन, और इसी इस यश को कहते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इसे कहते हैं, ऑर्बिटल का मतलब कक्षक, क्या है, कक्षक। इसको कहते हैं सेल, SHEEL सेल, सेल का मतलब होता है कोष, क्या होता है दोस्तों, कोष होता है, सेल का मतलब कोष, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल को समझिए, जो ऑर्बिटल होते हैं कक्षक होते हैं वह SPDF, चार प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, सभी को मालूम है। इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन 14 होता है, सभी को मालूम है छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब आइए, अब ये मैंने कहा सेल होता है, जो आगे रहता है, इसे 3 है 3 है 2 है 2 है 1 है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं सेल कहते हैं, कोष कहते हैं। जो PS जो है इसका नाम ऑर्बिटल है दोस्तों, क्या नाम है, ऑर्बिटल नाम है, ऑर्बिटल का मतलब कक्षक इसका नाम है, ये अपना ऑर्बिटल कक्षक बनाते हैं, इसका नाम कक्षक है। जो 5 2 6 2 2 है, यह जो घात लगा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम, यस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 14 होती है, या इससे कम भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर मैक्सिमम पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, लेकिन हम 5 ले सकते हैं, एक कम ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 17 चाहिए
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए, इसलिए यहाँ पर फाइव लिखा है। ठीक है, सभी को समझ में आया। अब बाहरी कोषों का इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा कोष, आपको समझ में आ गया होगा कोष, इसको करते हैं। बाहरी कोषों का इलेक्ट्रॉन जितना होगा, सबसे बाहरी, बाहरी का मतलब सबसे पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, सबसे ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन कोष, इसे टू है, इससे टू से बड़ा कोष थ्री है, यहाँ पर भी थ्री, थ्री थ्री और जितना रहेगा उसका इस दोनों को इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जो जोड़ने के बाद कितना, पांदू सात, यानी कि इसका मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है, क्लोरीन का जो संयुक्ता है वह कितना है, सेवन है, क्लोरीन की संयुक्ता सेवन है। दोस्तों सभी को समझ में आया होगा, आया है कि नहीं आया होगा, क्योंकि जब हम बाहरी कोषों का इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, यही जो जोड़ देते हैं, यही क्लोरीन की संयुक्ता हो जाती है। दोस्तों समझ में आया, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे एग्जांपल से फिर आपको समझाते, मैं समझता हूँ दोस्तों आपको कहाँ समझ में नहीं आता, सर दूसरा एग्जांपल तो थोड़ा बतला दीजिए। चलिए हम दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं दोस्तों, जो आपका ये तो मैं कर दिखा दूंगा दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए। ठीक है, चलिए मैंने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या मैंने लिखा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एट होता है। आप एट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, सभी को मालूम छोटे छोटे चीजें क्या बतला है, एक एस टू, टू एस टू और टू पी, टू पी फोर, दो दो चार चार आठ हो गया। अब भैया हमको बतलाओ भैया कि बाहरी कोषों का इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं जब कोष सेम होता है, सबसे बड़ा कोष टू टू, बस है ना, बस टू टू, बस कोष को इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, चार दो छह, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो संयुक्ता होती है वह छह होती है। ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है, छह। सर एक एग्जांपल और बता दीजिए, बस एक एग्जांपल, चलिए हम एक एग्जांपल नहीं मेरे भाई, कितने एग्जांपल दे दो, बस संयुक्ता शब्द सीख जाओ कि संयुक्ता कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने कहा सोडियम, क्या कहने का, सोडियम, सोडियम का Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ग्यारह होती है, इसका एटॉमिक नंबर ग्यारह होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स और थ्री एस वन होता है, क्या होता है, थ्री एस वन दोस्तों, ठीक उसको सही करो, ठीक थ्री एस वन, अब थ्री बस यस वन जो है दोस्तों। अब बाहरी कोषों का कोष देखते हैं, बाहरी कोष देखते हैं, कोष मैंने बताया कोष इसका नाम है, कोष इसका नाम है, कोष सबसे ज्यादा किसमें कोष है, यह कोष है, और इसके आगे कोष है नहीं, थ्री वाला ही कोष होना चाहिए, जो सबसे बाहरी कोष रहेगा, यदि थ्री है तो उसके आगे भी थ्री होना चाहिए, यदि फोर है तो उसके आगे भी फोर होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने कहा थ्री, बाहरी कोष क्या है, थ्री है, इसके आगे भी थ्री होना चाहिए ना, ये तो कोई बात नहीं है, थ्री है, इसका इलेक्ट्रॉन इस थ्री के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल पर, आप कहेंगे वन, ये सोडियम एक है, एक है तो सोडियम का संयुक्ता कितना हो जाएगी, एक हो जाएगी, एक हो जाएगी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, सोडियम, सोडियम की बिचारे की संयुक्ता होगी दोस्तों एक हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपको संयुक्ता समझ में आ गया होगा। अब अपने से निकाल कर देखिएगा कि मैग्नीशियम की संयुक्ता कितनी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है, सल्फर की संयुक्ता कितनी होती है, निकाल कर ट्राई कर लीजिएगा, आपका एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए संकरण, अभी हम चले हैं संकरण की ओर। संकरण क्या होती है, क्योंकि इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी किसमें दोस्तों, उप संयोजक यौगिक में, क्योंकि हमको छह अंक प्राप्त करना है दोस्तों, कितना, छह अंक प्राप्त करना है, तो छह अंक पढ़ने के लिए हम छोटे से जीरो से जरेंगे और जीरो तक पहुंचेंगे हम, क्योंकि जीरो तक से नहीं चलेंगे तो आपको समझ में आने वाला चीज नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए संयुक्ता शब्द आप सोच रहे होंगे इसकी आवश्यकता क्या पड़ेगी, घबराइए मत, हर चीज की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं हमारे विषय में, हमारे सब्जेक्ट में, इसके अंदर मैं घुसूंगा ना, इसके उप सब्जेक्ट के, उसके बाद आपको आएगा नहीं, आएगा नहीं तो वीडियो बंद करोगे,
वीडियो क्लिक करोगे और चले जाओगे क्योंकि समझ में मेरी वीडियो नहीं आ रही है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आप छोटी से उठाइए, छोटे छोटे चीजों को उठाएंगे, छोटे छोटे चीजों को आप समझते हुए बड़ी चीज की ओर चलेंगे तो आपको बड़ी चीज जो है एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी, एकदम आसानी से समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए छोटे से छोटे चीज यदि आपको आ रही है तब भी सीखे, नहीं आ रही है तब भी सीखे दोस्तों, ठीक है। सीखना अनिवार्य है क्योंकि चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, क्या है उप संयोजक यौगिक। आप कहेंगे सर पहला चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो मैंने पहला चैप्टर इसलिए नहीं स्टार्ट किया वह फिजिकल केमिस्ट्री में आता है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। आपका केमिस्ट्री तीन पार्ट में बटा है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, उसका है पहला अध्याय। पहला अध्याय में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम संकर की ओर बढ़ते हैं। संकर कैसे निकाला जाता है, संकरण, संकर पूरी आप क्लास 11 में पढ़े होंगे संकर, यहाँ पर उतना डिटेल बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या होते हैं दोस्तों, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हम यह टॉपिक भी हम अपने सब्जेक्ट में यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में हम सीख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है दोस्तों। देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, हम पाई और सिग्मा मान, पाई और सिग्मा मान किसी भी आपको बता दें, किसी भी श्रृंखला को, श्रृंखला का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, किसी भी श्रृंखला का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक बेहतरीन ट्रिक जो जादू की तरह हिलेगी दोस्तों, ठीक है। जादू की तरह हिलेगी, बस आप लोग देखते रहिए, जाइएगा बात छोड़कर पछताएंगे दोस्तों, पछताएंगे, ठीक है। चलिए संकरण हाइब्रिडाइजेशन बड़ी मजेदार चीज है दोस्तों, संकरण हाइब्रिडाइजेशन इतना बड़ा लिख दिया कि फिर कहाँ हटाएंगे, ठीक है। ऐसे मैंने कहा संकरण, संकरण कितने प्रकार की होती है, संकरण लगभग 5 या 6 प्रकार की संकरण होती है, ठीक है। 6 संकरण क्या होते हैं इसके बारे में, दो या दो से मिलकर समान ऊर्जा के जब अधिक ऑर्बिटल, दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं उसी का नाम है संकरण, ठीक है। समान ऊर्जा के ऑर्बिटल बनाते हैं उसी को हम कहते हैं संकरण, यही संकरण होता है दोस्तों, ठीक है। संकरण के प्रकार देखते हैं और सिग्मा पाई बांध देखते हैं, आइए। ऐसे मैंने कहा संकरण, देखिए संकरण, उसके बाद क्या लिखेंगे, संख्या, संख्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद बंध लिखेंगे, ठीक, बंध लिखेंगे। चलिए संकरण, मैंने कहा यस, एसपी संकरण, उसके बाद sp2 संकरण, उसके बाद sp3 संकरण, इसके बाद और हमें बतला रहा हूं, ठीक है, कि sp संकरण क्या होती है दोस्तों। जब एक s ऑर्बिटल, मैंने कहा कि ऑर्बिटल तो है, क्या ऑर्बिटल तो है, मैंने क्या कहा, अरे भैया यस पी और डी एफ ये क्या है, ये संकरण या ऑर्बिटल तो है या तो कक्षक तो है, बस यही कक्षक को मैंने मिला रहा हूँ, संकरण बना रहा हूँ। तो जब एक यस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल मिलकर, भैया जब मिलते हैं दोस्ती करते हैं, जब दोस्ती करते हैं तो यस पी संकरण बनता है, यस पी संकरण कहते हैं। जब एक यस, इसकी परिभाषा इतने डीपली दिया है दोस्तों बुक में, आप लोगों को याद नहीं आएगा, याद नहीं कर सकते, हम आपको एकदम आसानी से बता रहे हैं। अरे जब एक यस ट्रिक, इतनी बेहतरीन ट्रिक सिखा रहे हैं, ट्रिक दोस्तों कि आप लोग जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है। अरे जब एक यस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के जब दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं उसे कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन दो ऑर्बिटल हो गए, टू हो गए ना, एक यस एक पी मिलकर दोनों मिलते हैं तो समान ऊर्जा आ जाता है, इसके पास पी एनर्जी, इसके पास भी एनर्जी, जब दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं समान ऊर्जा के तो उसे कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एसपी दो है, एसपी टू, जब एक यस ऑर्बिटल, कितना है, पी पी पी
टू पी टू, अरे जब एक एस ऑर्बिटल पी टू ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के कितने नए ऑर्बिटल बनाते हैं, अरे तीन नए ऑर्बिटल बनाते, कहिए ना दोस्तों कहने में क्या जाता है, कहिए कि तीन ऑर्बिटल, सर कैसे तीन ऑर्बिटल, एक एस है एक पी, अरे भैया मैंने कहा एक एस है लेकिन पी टू ना है, पी की संख्या टू है, पी की संख्या कितनी है टू है, पी की संख्या टू है, एस की संख्या एक है दोस्तों, इसलिए जब एक एस ऑर्बिटल पी दो ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के जब तीन नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसे कहते हैं एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आइए एसपी थ्री संकरण, अब उसके बाद अपने से बना लेंगे, अपने से बनाएंगे, जब एक एस ऑर्बिटल पी थ्री ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के चार नए ऑर्बिटल, कितने नए ऑर्बिटल, चार नए ऑर्बिटल, पी थ्री वन एस इक्वल टू फोर ऑर्बिटल, फोर ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के जब नए चार नए ऑर्बिटल बनाते हैं उसे एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब आइए नीचे बड़े दिखाई दे रहा है, इधर भी लिख सकते हैं या इधर भी sp3d, जब भैया अब इसकी परिभाषा को इस कैसे बनाओ, कौन बच्चा कौन स्टूडेंट बता देगा इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा कौन बताएगा, अरे एक s ऑर्बिटल, मैंने क्या कहा ध्यान से समझते रहिए, एक s ऑर्बिटल पी थ्री ऑर्बिटल डी वन ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के जब पांच नए ऑर्बिटल बनाते, कितना पांच नए ऑर्बिटल, अरे भैया एक एस डी टू थ्री टी पी है, तीन दो पांच, पांच नए ऑर्बिटल बनाते हैं इसे कहते हैं एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, आया कि नहीं आया, आ गया होगा। उसके बाद दिखाई देगा यहाँ पर एसपी थ्री डी टू, एसपी थ्री डी टू मिलकर जब एक एस ऑर्बिटल पी थ्री ऑर्बिटल डी टू ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के जब छह नए ऑर्बिटल बनाते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख दीजिएगा छ, ठीक है, ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसे कहते हैं एसपी थ्री डी टू संकरण हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आप आइए दोस्तों, अब बंध, इसमें बंधों की संख्या कितनी है, इसमें बंध कितने बनेंगे, बंध बताइए, बंध देखिए ठीक है दोस्तों, नोट 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 करिए इसको, देखिए बंद क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका संकरण होगा, संकरण पूछा जाएगा एसपी एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी एसपी थ्री डी टू, इसका संख्या मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब बंद 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 में सिग्मा और पाई समझ लेते हैं, ठीक है। अब यह टॉपिक खत्म हो गया आपका संकरण का, उसके बाद हम छोटे सा पार्ट और समझाते हैं आपको, ये छोटी छोटी चीजें बंद बीओ बंद, ठीक है। तो आप छोटा सा लीजिए क्योंकि हमको हटवाना ना है उसमें बंद, ठीक है। अब बंद क्या होते हैं दोस्तों, बंद जैसे एकल बंद डबल बंद ट्रिपल बंद, दिखाई दे रहा है एकल बंद डबल बंद ट्रिपल बंद, बंद है क्या है, बंद डबल बंद ट्रिपल बंद, लिख दें डबल बंद, चलो एकल बंद, एकल बंद लिखिए आप लोग, एकल बंद डबल बंद और ट्रिपल बंद, ट्रिपल बंद, ठीक है। अब एकल बंद पर कितने सिग्मा, एक सिग्मा होते हैं, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा देखो देखो सिग्मा ऐसे कहा जाता है, देखिए सिग्मा सिग्मा ऐसे चिन्ह होता है, पाई ऐसे भी हो सकता है, पाई ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। पाई ऐसे किसी तरह बना सकते हैं, सिग्मा और पाई का इंफॉर्मेशन, सिग्मा एकल बांड पर एक सिग्मा होता है, अब एकदम ध्यान दीजिए एकल बांड पर एक ही सिग्मा होता है, ठीक है, एकल बांड पर एक सिग्मा, डबल बांड पर एक सिग्मा होता है, एक एकल बांड पर एक सिग्मा, डबल बांड है ना एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बांड पर एक सिग्मा दो पाई होता है,
ठीक है, एक सिग्मा दो पाई, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। मैंने क्या कहा, इसका नाम है पाई, इसका नाम है सिग्मा, ठीक है। एकल बांध पर एक सिग्मा और डबल बांध पर एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बांध पर एक सिग्मा दो पाई होता है, ठीक है। चलिए इस इंफॉर्मेशन को याद रखिए, सूचना को याद रखिए, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक है, इतना समझ लीजिए एग्जाम्पल की ओर। चलिए एग्जाम्पल में हम छोटी सी चीजों को देखते हैं, उसके बाद दो देखते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। कल हमने टॉपिक पढ़ेंगे इसके आगे का, ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था हमारा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, इसे मैंने कहा कि CH3 CH2 CH2 और CH3 में कार्बन में का आपको बतलाना है हाइब्रिडाइजेशन, क्या बतलाना है हाइब्रिडाइजेशन, इसको याद, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में इस तरह आएगा आपके पेपर में, इस श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणु का संकर बतलाइए, ठीक है। इस श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणु का संकर बतलाइए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। अब देखिए आपको इसको पहले एक्सप्लेन कर लेना है, इसको तोड़ देना है। यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से लगा है, यह कार्बन 2 हाइड्रोजन से लगा है, यह कार्बन 2 हाइड्रोजन से लगा है, यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से लगा है, ठीक है। इसको हम तोड़ निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे लगा होगा, देखिए एकल बंध, देखिए इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगाए, या ऐसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ऐसे टोट, यह कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन से लगा है, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तोड़कर। अब देखिए एकल बांध पर कितना सिग्मा, सिग्मा और पाई बांध का इंफॉर्मेशन मैं बतला रहा हूं। सिग्मा मैंने कहा था ना, वहां पर क्या बतलाया था, एक एकल बांध पर एक सिग्मा, यहाँ पर एकल बांध पर एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ठीक है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, एकल बांध पर एक सिग्मा देते जाइए आप, ठीक है, एकल। अब मैंने बतलाया एक चीज, मैंने भूल गया बतलाना दोस्तों, ठीक है, इसको साइड में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, साइड में नोट कर लीजिएगा। अब इसे यहां पर देखिए, ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, यहाँ दिया मैंने भूल गया था, ठीक है। जैसे एसपी क्या है, एसपी जब रहेगा तो 2 सिग्मा रहेगा तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिग्मा और यहां पर क्या लिखूं, यहां पर संकरण, जब एसपी रहेगा, जब 2 सिग्मा बांध रहेगा तो इसे एसपी, 3 सिग्मा बांध रहेगा तो एसपी 2, 4 सिग्मा बांध रहेगा तो sp3, 5 सिग्मा बांध रहेगा तो sp3d, 6 रहेगा तो sp3d2 हो गया, ठीक है, ये ट्रिक है। जब 2 है तो 2 सिग्मा, जब 3 डायमीटर है तो 3 सिग्मा रहेगा, 3 सिग्मा से sp3 जानते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग बगल में, ठीक है। अब आइए यहाँ पर इस कार्बन की कितने, इस कार्बन की संख्या बताइए, इस श्रृंखला में, यह श्रृंखला है, सभी कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन परमाणु है का संकर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो बताइए इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसके सटे हुए हम बंध मिलते हैं,
एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, चार सिग्मा से डायरेक्ट है, चार सिग्मा। अब चार सिग्मा से क्या दोस्तों मैंने बताया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखिए इसका सिग्मा, देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, चार सिग्मा से मैंने क्या बताया, यह कार्बन परमाणु चार सिग्मा से बना है, यह भी फोर सिग्मा, फोर सिग्मा से sp3 होगा, फोर सिग्मा से sp3 होगा, यह भी कार्बन परमाणु एक दो तीन चार, चार से जुटा है sp3 संकरण, यह भी 1 2 3 4 से जुटा है दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि सभी कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वह sp3 होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। चलिए यहाँ पर दूसरा ले लीजिए, CH3CH1CH2CH3। ठीक है, चलिए इसका आप लोग सभी कार्बन परमाणु का संग्रह बतलाइए। चलिए करें, ठीक है। इससे मैंने कहा अब उस तरह तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिग्मा मिल गई। देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, देखिए मैं निकालता हूं यह कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, थ्री थ्री यहाँ है, एक कार्बन इसका है, ठीक है। तो तीन एक चार, चार सिग्मा, चार सिग्मा से कितना, चार सिग्मा से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, चलिए इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन एक एक सिग्मा एक पाई होता है, डबल बॉन्ड पर क्या होता है मैंने बताया, डबल बॉन्ड पर एक सिग्मा एक पाई होता है, तो एक सिग्मा एक पाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस कार्बन की एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन लेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, एक ये होगा तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अब इस कार्बन परमाणु को देखिए, देखिए यहाँ पर एक सिग्मा इस हाइड्रोजन का, दो सिग्मा इसका, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा से होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका, ठीक है। अब इस कार्बन परमाणु को देखिए, 1 2 और दो हाइड्रोजन है, चार, चार सिग्मा से होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका देखिए, तीन एक चार, चार सिग्मा से होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एकदम आसानी से श्रृंखला में सभी प्रकार के आपको निकालना जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए एक होमवर्क मैं देता हूं, आप लोग घर पे लिख आइए, 3 CH डबल बॉन्ड CH एक कार्बन CH2 CH2 और CH3। चलिए इसको आप लोग लगाकर घर से आइएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसकी आगे, हम पढ़ेंगे उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि क्या होते हैं, उपसंयोजक यौगिक के बंडल सिद्धांत क्या होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन, उसके बाद बीबीटी थ्योरी, इसके बाद सीएफटी थ्योरी, ठीक है। इस तरह का एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। बीएफटी थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पेपर में 4 मार्क्स का समय आता है क्वेश्चन, ठीक है, 4 अंक का। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगा हो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आप इतना नहीं कर सकते दोस्तों, आपका फर्ज है ना, ठीक है। यदि आपको अच्छे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।